जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन द फाइनल एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग, वेयर आई एम योर एडुकेटर गौरव आधनिक वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स. सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल हैव सीन द लास्ट 3 पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज़ द कंक्लूजन, द लास्ट पार्ट ऑफ द सेम, where we are going to discuss the remaining two topics. The first one, which is relation between planning and controlling. So without wasting much time, let's start the 7.2 exercise from a subject, organization of commerce and management. So students, first paragraph itself, jo bata raha hai aapko, kya bol raha hai ye, dekh lete hain chaliye. Planning refers to a systematic intellectual program, theek hai. तो अभी तक बीते हुए इन 3 पार्ट्स के अंदर हम लोग इतना तो पता चल ही चुका है कि भाई कंट्रोलिंग जो है वो एक ऐसा पार्ट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंत में, वैसे चलती तो ये शुरुआत से ही है लेकिन इसका जो अस्तित्व है, इसका जो सेगमेंट है, वो सबसे लास्ट में देखा जाता है. हम लोग कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ लास्ट वन. उसी तरह प्लानिंग जो है और कंट्रोलिंग जो है वो एक ही कॉइन के दो साइड्स माने जा सकते हैं, क्योंकि वॉट एवर प्लान का जो आउटलाइन होगा, जो भी हमने सोचा है, जो हमें करना है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से कितने रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट किया जा सकता है, पहले तो हम ये प्लान करेंगे. और उसके बाद जैसे ही ये चीज़ तय हो जाती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, राइट, इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि भाई वॉट एवर द थिंग्स वी हैव टू डू, ठीक है, उसे फिर हम स्टैंडर्ड के साथ वो एक बार चेक करेंगे. कैसे चेक करेंगे स्टैंडर्ड से कि हमने जो सोचा था अगर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो क्या डेविएशन आई थी, वो डेविएशन ढूंढना है. और डेविएशन के बाद क्या हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, क्या हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, ये हमें ज़रूर देखने को पता चलता है. इसके अलावा कंट्रोलिंग जो प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग जो है वो सबसे पहला पार्ट है, उसी तरह कंट्रोलिंग जो है उस प्लानिंग का सबसे आखिरी पार्ट. दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से काफ़ी समानताएं रखते हैं, ठीक है. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज़ अ टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन. प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के दोनों इंटर डिपेंडेंट फंक्शन है, ठीक है, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर आहत हैं. इसके अलावा प्लानिंग जो है वो कंट्रोल प्लानिंग जो भी है अपने की प्लान किया है, अगर कंट्रोलिंग प्रॉपर होगी तो ही प्लानिंग अच्छी होगी, और कंट्रोलिंग जो है वो तभी प्रॉपर हो पाएगी जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी. तो इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ठीक है. कंट्रोलिंग का काम है कि भाई डेविएशंस फाइंड आउट करना और करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है, मतलब मेजर्स लेना और कंपनी को जो है वो राइट डायरेक्शन में लेकर जाना. वहीं कंट्रोलिंग जो है इट्स नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग ही डिसाइड करती है कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, हमें क्या अचीव करना है भविष्य में और क्या नहीं करना है. हम ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ गए होंगे कि वेयर देर इज़ नो प्लानिंग देर इज़ नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग, यानी जहाँ कोई प्लान ही नहीं है वहाँ कंट्रोल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है. तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग हो गए भाई सेम साइड्स, ठीक है, टू डिफरेंट साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, राइट. अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, जो बोल रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, ठीक है. अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज मतलब क्या हो गया कि प्लानिंग हमने जो भी डिसाइड किया हुआ है, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल फैक्टर हो, यानी कंपनी के अंदर हो या कंपनी के बाहर हो, वॉट एवर, हमें जो कंट्रोल की ज़रूरत जिस भी फैक्टर पर चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर वो कोई एक्सटर्नल है. एक्सटर्नल है मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि अब क्या वो कोई गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आई है, नया कोई कॉम्पिटिशन आया मार्केट में, महंगाई हो गई, मंदी आ गई, ठीक है, स्कैरसिटी हो गई किसी रॉ मटेरियल की, ठीक है, लोगों की जो चॉइस है वो चेंज हो गई, पसंद अचानक जो है वो बदल गई, नया ब्रांड आ गया इस वजह से, या फिर वगैरह वगैरह कोई भी चेंज इन फैशन, ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं. ये जनरली दस इंटू टेक इन कंसिडरेशन टू इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और कंट्रोलिंग सीज वेदर इन एक्टिविटीज इज बीइंग कैरीड आउट प्लान और नॉट, ठीक है. तो ये कंपनी में इंटरनल फैक्टर होता है, राइट, प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम हुआ है नहीं हुआ है ये सारी चीज़ कंट्रोलिंग देखती है, लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उस पर ज़्यादातर कंट्रोलिंग का जो हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता, तो कंपनी के अंदर ही हम कंपनी कंट्रोलिंग के नियंत्रण को, उसके प्रभाव को देख सकते हैं. इसके बाद थर्ड पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग इज़ प्री कंडीशंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, प्री कंडीशन यानी पहले की स्थिति को जान लेना. सो द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज़ टू मेक प्रोग्राम, ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाया,
प्रोग्राम कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सोचा है वो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। अब वो आप अचीव करने के लिए हमें प्रॉपरली कंट्रोलिंग तो करनी पड़ेगी परफॉर्म। अब जो भी हमने प्लान किया है वो अकॉर्डिंगली गया है कि नहीं गया है, कंट्रोलिंग में काम सिर्फ हमें यही करना है कि भाई कंपेयर करते चलना है, ठीक है, तुलना करते चलनी किसके साथ, एक्चुअल स्टैंडर्ड की, जो भी हमने सेट किया है स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग, यानी जो रिजल्ट है एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर करिए, ठीक है। अगर कंपेयर करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो रिजल्ट से, तो करेक्टिव मेजर लो, ठीक है। तो करेक्टिव मेजर लेकर आप उसे क्या कर सकते हो, चीज़ ठीक कर सकते हो, बेटर वे में ला सकते हो, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आ गया सबको, दैट प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोलिंग। इसके बाद पॉइंट फोर, यानी चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि प्लानिंग इज अ फादर ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, यानी इसमें हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो है कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं निकल कर कहाँ से आई है भाई, प्लानिंग से ही, यानी प्लानिंग जो की उसी से हमें कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी और उसी की वजह से वो एग्जिस्ट करती है। तो कंट्रोलिंग कीप्स अ माइंड इन एक्टिविटी ऑफ डिसाइडेड इन प्लानिंग ओनली, यानी हम जो भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि आपको ऐसा काम करना है, तो आपने पहले कुछ डिसाइड तो किया ही होगा ना, ठीक है, लोगों के अकॉर्डिंग टू द माइंड प्लानिंग ही हमें कंट्रोल करना होता है। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्लानिंग इज़ द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, ओके। चलिए आगे देखते हैं, अब ये चार आपको समझ में आ गए हैं, ये चारों के चारों प्लानिंग और कंट्रोलिंग के जो रिलेशंस हैं उसको और बेटर वे में आपको समझाते हैं। इसके अलावा अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग इस चैप्टर का, 7.3 एक्सरसाइज, दैट इज़ द स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस। अब वैसे तो काफ़ी सारी स्टेजेस हैं, लेकिन आपको जो GACV की टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन की गई है, दैट इज़ स्पेशली 5, क्योंकि कंट्रोलिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस, सब जगह लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है, इसकी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं और अकॉर्डिंग टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, यानी इसका स्ट्रक्चर देखें, तो पहला स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड, यानी हमने जो भी सोचा, ठीक है, पहले तो आप ये सोचिए कि आपको करना क्या है, फिर उसके बाद उसकी जानकारी निकालें कि जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी कितनी है, कितना ज्ञान है आपके पास, आपको नॉलेज करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च करने के बाद तीसरा पॉइंट आता है भाई मेजरिंग परफॉर्मेंस, आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्चुअल है, राइट, दूसरे लोग कितना कर रहे हैं, एक अच्छा टारगेट क्या है, एक अच्छा सेफ साइड क्या है, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है, तो एक आप अपने आप को तैयार करेंगे, देखेंगे कि मैं उस तक पहुंच रहा हूं कि नहीं, ठीक है, आप कंपेयर करोगे अपने आप को कि मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किए मेरे लिए वो चीज़ मैं अचीव कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो रीज़न क्या, करेक्टिव मेजर्स लेने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस 5 आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस, वेट विल स्टार्ट फ्रॉम सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, लेड ऑन विथ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, फर्दर विथ मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ इट, एंड कंक्लूड विथ करेक्टिव मेजर्स। सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग, विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, ठीक है, होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड अप टू हियर, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट के अंदर, कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करती है, जो भी स्टैंडर्ड हमने किए हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करना कि वो अकॉर्डिंग टू प्लान गई कि नहीं गई, वॉट एवर वी हैव डिसाइडेड प्री डिटरमाइंड, पहले से हमने जो भी डिसाइड किया है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जा रहा है या नहीं। अब वो चीज़ें क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ठीक है, यानी क्षमता में भी हो सकती है और मात्रा में भी हो सकती है। इसके अलावा स्टैंडर्ड्स में हमने उन चीज़ों को कैसे अचीव करना है, चाहे वो फिजिकल कॉस्ट हो, ठीक है, इनकम ऑफ अ कंपनी हो, कैपिटल हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोलिंग जो है उसकी पहली स्टेप ये होगी कि आप सोचेंगे कि आपके टारगेट्स क्या हैं, अगर वो प्रोडक्शन से है तो प्रोडक्शन टारगेट, कॉस्टिंग से है तो कॉस्ट टारगेट्स, आपके स्टैंडर्ड्स सबसे पहले मेंटेन किए जाएंगे, जो कि मेंटेन जनरली जाहिर सी बात है टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, और जो भी एम्प्लॉयज़ और सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वो गिवन टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं लगातार, और उस टारगेट्स को, उस स्टैंडर्ड्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। थर्ड वन इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है वो कोई भी हो सकता है, चाहे पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो, ओरल रिपोर्ट हो, रिटन रिपोर्ट्स हो, जानकारी बटोरो, ठीक है, ज्ञान तो अर्जित करना बहुत अच्छी बात है। पॉइंट थर्ड बोलता है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, अब वॉट एवर द कंपनी इज डूइंग, या फिर आप इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हो, आपको अपने स्टैंडर्ड के साथ देखना पड़ेगा कि आप उसकी क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हो नहीं हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, क्या रीज़न है, उसको सॉल्यूट करो
और सॉल्यूशन करने के बाद दोबारा उस पर काम करके अपने आप को बेटर करो ताकि अचीवमेंट आए। ठीक है, तो कंपैरिजन करना, जी हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। और यही जो है वो ये सेकेंड लास्ट स्टेप है, क्योंकि कंपैरिजन करके हमें ये पता चल गया है कि हमारे अंदर या फिर हमारी कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड से कंपेयर किया। और स्टैंडर्ड से कंपेयर करने के बाद एक बार जब हमें हमारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि जिसे अपनी प्रॉब्लम्स पता होना, अपनी वीकनेसेस पता होना ही मात्र आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा, आपको उसके लिए करेक्टिव मेजर्स भी लेने होंगे। ठीक है, वो करेक्टिव मेजर्स ही आपके जो भी स्टैंडर्ड है उसके पास आपको ले जाएंगे, और डेविएशन जो बीच में आया है वो फिर नहीं आएगा, राइट। सो इफ़ अ डेविएशन इज़ फाउंड मोर नेसेसिटी करेक्टिव मेजर्स, थ्री टॉपिक्स वेयर गिवन टू यू, कि तीन तरीके से आप सोच सकते हो इन मेजर्स को आप कैसे ठीक करें। ठीक है, सबसे पहला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नो चेंज इन द कंडीशन। ठीक है, जैसा कि ये खुद पॉइंट बता रहा है कि भाई देर इज़ नो चेंज इन द कंडीशन, मतलब किसी भी तरीके का जो बदलाव है वो स्थिति के अंदर ना आए। स्पेशली नो करेक्टिव मेजर इज़ टू बी टेकन व्हेन डेविएशन इज फाउंड इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल। मतलब अगर लग रहा है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 1920 का फ़र्क है, हिंदी में कहें तो 1920 का फ़र्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कंपेयर किया स्टैंडर्ड से कि जो अमाउंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, वी आर वेरी क्लोज टू इट, देन देर इज़ नो करेक्टिव मेजर विल बी टेकन। रीज़न, क्योंकि इट इज़ एक्सेप्टेबल, ठीक है, चलता है, होता है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। दूसरा जो कि इससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ चेंज इन द कंडीशन एंड रिमूव द डेविएशन, या टोटली एक्सेप्टेबल नहीं। इफ़ अ डेविएशन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर व्हेन इज कम्पेयर टू अ सेट स्टैंडर्ड, सच डेविएशन इज एग्जाम एंड नेसेसरी करेक्टिव मेजर इज टू बी टेकन। ठीक है, राइट। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड वन शोज दैट चेंज इन द कंडीशन एस्टैब्लिश फ्रेश एंड न्यू स्टैंडर्ड। मतलब अब प्रॉब्लम क्या आई है कि कोई ज़्यादा ही गिगियाटिक टाइप प्रॉब्लम आ गई जो हमने सोची भी नहीं थी, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करेंगे, अब हम रीस्टैब्लिश करेंगे अपने स्टैंडर्ड को। ठीक है, जो अब हमने सोचा था कि चलो ये प्रॉब्लम होगी, जैसे ये COVID-19 की वजह से आज हम सभी लोग ऑनलाइन मिलते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे स्कूल्स के अंदर, जब हम मिलते थे, इनफॉर्मल जो टॉक्स होती थी, फॉर्मल जो टॉक्स होती थी, आप सब भी उन सब चीज़ों को मिस करते ही होंगे, राइट। तो लेकिन वक्त के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, टाइम के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, इसीलिए शायद आज हम ऑनलाइन के थ्रू पढ़ रहे हैं। उसी तरह कंपनी के अंदर भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि जेन्युइन है, गिगिनेटिक है, अनसॉल्वड है और बहुत डिफ़िकल्ट है सॉल्व के, तो ऐसी प्रॉब्लम को अवॉइड करके और इग्नोर करके हम नए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं, नए स्टैंडर्ड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, हम उसमें सेटिस्फाइड हो जाएंगे, एंड बेटर रिजल्ट की कामना करके हम चीज़ों को और अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते रहते हैं। स्टैंडर्ड्स आर कंटिन्यूसली ऑप्टेन, लगातार होगा और नए स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे ताकि हम और बेटर तरीके से काम करें। सो द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज़ नॉट ओनली द डेविएशंस फाइंड करना, ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा अचीवमेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। इसीलिए तो कहता हूँ कंट्रोलिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, हमने क्या क्या देख लिया है, मीनिंग देख लिया है। पीटर हैव टकर भाई साहब की जो डेफिनेशन है याद रखना प्लीज़, कैरेक्टरिस्टिक के 10 पॉइंट्स होप यू ऑल हैव गॉट इन द फर्स्ट लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ जो क्या कंट्रोलिंग है वो हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किए थे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख लिए होंगे। थर्ड लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंस देखे थे, सेकेंड में हमने कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट में कंट्रोलिंग, लास्ट यानी ये जो फोर्थ लेक्चर है इसमें हम रिलेशन बिटवीन प्लानिंग, कंट्रोलिंग और स्टेजेस ऑफ मैकेनिज्म देखा। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड वेल एक्साइटेड टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, जल्दी से कंप्लीट करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है कि नहीं। ठीक है, टिल देन कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ ज़रूर रखें। विल गेट बैक टू यू सून एंड विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। ऐसे वन एग्जाम आ रही है बच्चों, सबको पता है, ठीक है, उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से अपने आप को तैयार करना है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है, और बेस्ट देना है अपना, बिल्कुल हम बेस्ट देंगे, ये सुनो, यस। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, वॉच ऑल द वीडियोज थरली, ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मास्क पहनते रखिए और घर से बाहर बिल्कुल ना निकले, ठीक है, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, जय हिंद।